सबसे पहले आप अपने कुछ पुरानी नोटबुक्स लें। इन नोट्सबुक में आप भरे हुए पेजेस को अलग कर दें और एक एक करके सारे जो खाली पेज हैं वो निकाल लें। इस कॉपी में से भी आप भरे हुए पेज अलग कर दें और अलग पेज कर लें। यहाँ पर जो आप डबल पेज वाले पेज देख रहे हैं, जो सिंगल नहीं हैं, डबल आपस में जुड़े हुए हैं, इन्हें आप एक साथ रखें और एक पेन की सहायता से नीचे से 2 इंच निशान लगा लें, एक बार नीचे और एक बार ऊपर की तरफ। अब इनके बीच में भी आपको एक निशान लगाना है। इस तरह निशान लगाने के बाद आप सुई और धागा लेंगे और सुई की मदद से आप जहाँ निशान लगाए हैं इन डबल पेजों पर आपने छेद करने हैं। यहाँ इस प्रकार आपको छेद करने के बाद उनको इस तरह रख लेना है और खोलना है। इस तरह रखने के बाद अब आप सुई और धागे की मदद से पहले बीच में से सुई निकालेंगे बीच में सुई निकालने के बाद आप ऊपर की तरफ से सुई निकालें। जब ये सुई दूसरी तरफ आ जाएगी तब आपको नीचे की तरफ से सुई ले जानी है, बीच में से नहीं। अब दोनों तरफ से यहाँ सुई निकल आई है और अब पुनः आप बीच में से सुई वापस उसी स्थान पर ले जाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था। अब धागे को दूसरी तरफ निकाल लें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ढीला नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप इसको दोनों तरफ निकाल कर अच्छी तरह खींच लें और खींचने के बाद यहाँ पर आपको गांठ लगानी है। खींचने से आपके पेज ढीले नहीं पड़ेंगे और यहाँ गांठ लगा दीजिए। 2 गांठ आपको यहाँ लगानी है। इसके बाद कैंची की सहायता से इस धागे को काट दीजिए। अब इसे वापस फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद आप एक कॉपी का बाहरी कवर लीजिए और इस पर आपको यहाँ बीच में रख देना है। अब एक फेविकोल की मदद से यहाँ थोड़ी बीच में फेविकोल लगाइए। थोड़ी बहुत इन पेजेस पे भी लगाइए। और इसके बीच में आप रख के इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह आपकी एक नई कॉपी तैयार हो गई है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल नई कॉपी की तरह आपको ये लगेगी। आइए आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं। जो लूज़ पेज बच गए हैं आपके, जो डबल पेजेस नहीं थे, सिंगल थे, उनको अलग कर लीजिए। जो अगर थोड़े बहुत बाहर निकले हुए हैं कैंची की सहायता से आप उन्हें काट लें और सभी इकट्ठे करके आप उन्हें एक कागज़ के नीचे रख दें और सुई की सहायता से यहाँ पर आपको 3 छेद करने हैं। पहला छेद, फिर उसके बाद दूसरा छेद यहाँ बीच में कीजिए और तीसरा छेद आपको नीचे करना है। जब ये 3 छेद हो जाएंगे तो आपको पुनः उसी तरह बीच में से सुई निकालनी है पहले, फिर ऊपर से सुई निकालिए, उसके बाद नीचे से सुई निकालिए, फिर वापस बीच में से, और इसी तरह आप धागा दूसरी साइड निकाल कर आप यहाँ पर गांठ मार दीजिए और दूसरी गांठ मार दीजिए और यहाँ कैंची से आप इसे काट दें। और इसके बाद एक पुराना कवर लें और यहाँ फेविकोल लगाकर आप इसको यहाँ पे चिपका दें और थोड़ी देर सूखने के लिए
रख दें।